एससीओ बैठक शुरू होने से ठीक पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को ज्ञान देने की कोशिश की थी। शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम शांति और सुरक्षा का माहौल चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो झूठ बोलता है उसे तुरंत कर्मों का फल मिल जाता है। अब पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ है। पाकिस्तान पर दो बड़े हमले हुए हैं। पहले हमले में 7 टीचर्स की मौत हो गई है और दूसरे हमले में पाकिस्तान के 6 सैनिक मारे गए हैं। ये सब कुछ तब हुआ है जब बिलावल भुट्टो गोवा में मौज ले रहे थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अंधाधुंध फायरिंग में 7 टीचर्स मारे गए हैं। इसके बाद इसी इलाके में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने पाकिस्तानी फौज के 6 सैनिकों को मार गिराया। इस खतरनाक हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके इस आतंकी हमले की निंदा की है। मजे की बात देखिए कि शहबाज शरीफ ने इस ट्वीट से पहले एक और ट्वीट किया था। उसी ट्वीट में वो भारत को शांति और स्थिरता का पाठ पढ़ा रहे थे। आपको बता दें कि शांति की बात करने वाले पाकिस्तान में पिछले 90 दिनों में 30 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। इन हमलों के बाद पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी घबरा गया है। इसी के चलते एक ऐसी घटना हुई है जो आपको हैरान कर देगी। पाकिस्तान की ये हालत देख चीन के विदेश मंत्री किन गांग ने फैसला किया है कि वो SCO बैठक के बाद पाकिस्तान पहुंचेंगे। दरअसल चीनी विदेश मंत्री पाकिस्तान को बचाने नहीं बल्कि खुद को बचाने जा रहे हैं। इसका कारण भी आपको बता देते हैं। दरअसल TTP ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में एक तरीके से कब्जा कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा TTP ने बलूचिस्तान में भी हमले शुरू कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वो इलाके हैं जहां चीन के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। TTP के आतंकी पाकिस्तानी सेना के अलावा चीनी प्रोजेक्ट्स को भी निशाना बना रहे हैं। इसी के चलते चीन ने ये फैसला लिया है। किनगांग भारत से निकलकर सीधा पाकिस्तान जा रहे हैं। विदेश मंत्री के तौर पर किनगांग का ये पहला पाकिस्तानी दौरा है। मजे की बात देखिए कि चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को भी बुलाया है। चीन और पाकिस्तान जानते हैं कि TTP को अफगानिस्तान के तालिबान का पूरा समर्थन मिल रहा है। TTP को रोकना है तो अफगानिस्तान का साथ जरूरी है। इसीलिए चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता करवाना चाहता है।